क्या तुम्हें पता है कि ऐसी रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है जिसमें पीटर को कोई रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता ही नहीं है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि पीटर अंकल बेन एंड आंट मे के साथ एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है एंड वो अपने हाई स्कूल का भी टॉपर स्टूडेंट है। बट अचानक से ही एक दिन इनके घर में एक क्रिमिनल आ जाता है एंड वो अंकल बेन को शूट करने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो अंकल बेन को शूट करता, पीटर उस क्रिमिनल पे कूद जाता है एंड वो एक्सीडेंटली पीटर को ही शूट कर देता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि पीटर का राइट लेग अब पैरालाइज हो चुका है एंड शायद वो पूरी जिंदगी ना चल पाए। बट पीटर कुछ ही दिनों में एक स्टिक की मदद से चलने भी लगता है एंड वो अपने नॉर्मल लाइफ को वापस कंटिन्यू कर देता है। बट अचानक से ही एक दिन पीटर के क्लासरूम में सैंडमैन आ जाता है एंड वो उन सारे बच्चों को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, पर सही समय पे सिल्क आके इन सबको बचा लेती है। पीटर सिल्क को देख के उसकी मदद करने का डिसीजन लेता है। पहले तो सिल्क पीटर की हेल्प लेने से मना कर देती है, बट इवेंचुअली वो पीटर को अपने टीम में ले लेती है एंड भले ही पीटर इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन नहीं है, बट वो अपने दिमाग का यूज करके ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाता है जिससे सिल्क बड़े बड़े विलन्स की चुटकी बजा देती है।